3, 2, 1, go. नारियल ले लो भाई, नारियल, नारियल वाला आ गया, नारियल लेके आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, योगी जी आ जाओ, अरे अखिलेश तुम भी आ गए, नारियल चाहिए, आ जाओ नारियल ले लो, मोदी जी अपने नारियल का रेट बताओ, नारियल चाहिए जल्दी बताओ भाई, 50 रुपए का एक नारियल है, जो सा भी छांट लो ले लो, बड़े से बड़ा ले लो, छोटे से छोटा ले लो, सबका रेट 50 रुपए है। लेकिन मोदी जी अगर मुझे इसके अंदर का पानी पानी लेना हो और नारियल ना लेना हो सफेद वाला, तो क्या रेट दोगे, तो अपना रेट बताओ। अरे कैसी बेफालतू की बात कर रहे हो अखिलेश, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, पूरा नारियल लेना है तो पूरा नारियल ले लो, फोड़ के थोड़ी बेच रहा हूँ मैं, जो पानी तुम्हें पिला दूंगा और फोड़ के मैं बेचता हूँ उसका, नारियल किसी और को दे दूंगा, समझे। एक सलाह देता हूँ, ये बराबर में योगी जी खड़े हैं, इनसे मशवरा कर लो आपस में, दोनों लोग मिल जाओ, नारियल अंदर का उन्हें दे देना और पानी पानी तुम पी जाना। अरे मोदी जी मैं भी इसी उसमें खड़ा हूँ कि कोई नारियल लेने के लिए आए, मैं अंदर का पानी पीऊँ और अंदर का नारियल कोई और ले जाए, लेकिन अखिलेश भी यही मांग रहा है, अब क्या करा जाए बताओ। अरे अगर तुम दोनों को पानी ही पीना है तो जाके हरा वाला नारियल देखो, वहां पे नारियल पानी पियो जाके, ये नारियल पानी इसमें से नहीं दूंगा मैं, ये पूरा लेना है पूरा ले जाओ। अरे मोदी जी तुम अपने ठेले पे पैर क्यों रखे हुए हो, रोजी रोटी का मसला है ये, तुम इसी ठेले से रोजी रोटी कमाते हो, पैर हटाओ। अरे अखिलेश मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मैं भी जानता हूँ, मजबूरी में रखा हुआ हूँ ये पैर मैं ऊपर, नीचे पैर करने से दर्द हो रहा है पैर में, ये इसीलिए मैं ऊपर रख लिया है ये मैंने ठेले के ऊपर, इससे दर्द कम होता है। लो मोदी जी ये थैला लो, थैला पकड़ो और सब्जी मंडी चले जाओ, घर में पकाने के लिए कोई चीज नहीं है, जाके सब्जी ले आओ। और हाँ उस दिन की तरह मत करना कि शिमला मिर्च मंगाई थी तुम, हरी मिर्च ले आए छोटी वाली, ऐसा करो योगी जी मुझे बार बार दोहरा के सब्जी बता दो, मुझे भूलने की बहुत बुरी बीमारी है, मैं भूल जाता हूँ, देखो 2-4 बार बताना मुझे सब्जी का नाम, क्या क्या आना है मुझे दोबारा बताओ। देखो मोदी जी तुम्हें सब्जी मंडी में अंदर घुसते ही सबसे पहले 1 किलो करेले लेना है, क्या चीज, 1 किलो करेले, ध्यान कर लो ध्यान से, फिर 1/2 किलो भिंडी लेना है, 1/2 किलो भिंडी, फिर उसके बाद 2 किलो टमाटर, यही सब्जी लाना है, जाके ले आओ। अब मुझे एक बार फिर से बताओ तुम क्या क्या लाओगे। देखो योगी जी मुझे इतना भुलक्कड़ भी मत समझो, मुझे याद हो गया, 10 किलो टमाटर लाना है, 20 किलो करेले, और तीसरी चीज तुमने क्या बताई वो मुझे याद नहीं रही। अरे कह रहे हो तीसरी चीज याद नहीं रही, अरे तुम्हें याद क्या रहा, तुम सब गलत बता रहे हो। अखिलेश तुम साथ में चले जाओ इन मोदी जी के, नहीं तो ये फिर से गलत सब्जी ले आएंगे। अरे योगी जी मैं इनके साथ में नहीं जाऊंगा, ये लड़ मरते हैं सब्जी वाले से, देते हैं 10 का नोट और कहते हैं कि मैंने 50 का नोट दिया है, वो लड़ मरता है इनसे, दोनों लड़ मरते हैं सब्जी वाला और ये, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। तो मोदी जी तुम यहीं पे बैठो, मैं सब्जी लेने के लिए जाता हूँ, तुम यहीं पे बैठो घर में आराम से बैठ जाओ। अरे मोदी जी मैं कितने दिन से परेशान हूँ लहसुन के लिए, मैं कितने दिन से बिना लहसुन की ही सब्जी बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका ही लहसुन डालता हूँ अपनी सब्जी में, आप इतने दिन से लहसुन लेके नहीं आए, कहाँ चले गए थे, आप लहसुन आते हैं बेचने के लिए, दिल खुश हो जाता है, आपका लहसुन बहुत प्यारा होता है, बहुत बड़ा बड़ा तगड़ा सा। वैसे मोदी जी लहसुन का रेट क्या है, रेट तो बताओ। अरे योगी जी एक बात बताओ, मैंने कभी भी तुमसे लहसुन का या किसी भी सब्जी का ज्यादा रेट लगाया है, जो अब मैं तुमसे ज्यादा रेट लगाऊंगा, उससे पहले मैं ककड़ी बेचता था तो भी तुम्हें सस्ते ही रेट में बेचता था, अब ये मैं लहसुन बेच रहा हूँ, जब से भी लहसुन बेच रहा हूँ तुम्हें सबसे 1 पैसा मद्दा ही दिया है। अरे मोदी जी तो क्या हम दुश्मन है, ये बताओ हम क्या दुश्मन है, आप ये कह रहे हो कि सबसे 1 पैसा मद्दा दिया है, तो सब में तो हम भी आ गए, मैं भी आ गया, समझे, यानी कि मुझसे भी 1 पैसा मद्दा ही लगाते होगे योगी जी को। अरे सबको 1 रेट लगाया करो मोदी जी, अलग अलग रेट मत लगाया करो, लहसुन तुम्हारा बहुत प्यारा है, दे दो 1/2 किलो मुझे भी तोल दो, जब तक हांडी में तुम्हारा लहसुन नहीं पड़े मजा ही नहीं आता है मोदी जी, बिल्कुल मजा नहीं आता, तुम्हारा लहसुन बहुत अच्छा होता है। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पी लो गन्ने का जूस, गन्ने का रस पी लो आ जाओ, लुट गया सहज से ज्यादा मीठा लुट गया। अरे अखिलेश तुम आवाज सही से नहीं लगा पा रहे हो, मैं तुम्हें खड़े खड़े के पैसे नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें आवाज लगाने के पैसे देता हूँ कि जिससे ग्राहक ज्यादा ज्यादा आए, और मैंने तुम्हें ये गन्ने का गिलास जो हाथ में दिया है ये दिखाने के लिए दिया है कि देखो कितना अच्छा जूस है, लेकिन तुम बीच बीच में मैं देखता हूँ एक घूंट मार लेते हो इसका, और ये गिलास हल्के हल्के कम होता जा रहा है,
ऐसा मत करो, एक तो तुम्हारी आवाज सही से नहीं निकल पा रही है। अरे योगी जी आ गए गन्ने का जूस पीने के लिए। बोलो योगी जी कितने गिलास बना दूं, जल्दी बताओ। अरे मोदी जी मीठा आजकल थोड़ा कम खा रहा हूँ, एक ही गिलास बना दो और नींबू थोड़ा ज्यादा डाल देना, जल्दी बना दो एक गिलास। अरे मोदी जी तुम ये कहते हो कि मैं सही से आवाज नहीं लगाता, इन योगी जी से पूछो ये मेरी आवाज सुन के आए या वैसी आ गए, या मेरा गिलास जो हाथ में है वो देख के आए। और तुम कहते हो कि मैं इसमें से एक एक घूंट पी रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं पी रहा हूँ। ये गिलास जितना भरा हुआ था उतना ही भरा हुआ है, थोड़ा बहुत छलक जाता है बस, वो ही तुम्हें कम लग रहा है। बातें बहुत बनाते हो अखिलेश, बातें बहुत बनाते हो, छलक कैसे जाएगा जब सही से पकड़ोगे। ये कुना कहो कि हल्के हल्के एक एक घूंट पी के गिलास को कम कर रहे हो तुम। क्यों योगी जी तुम क्या अखिलेश का आवाज सुन के आए हो यहाँ पे जूस पीने के लिए? मैंने इसे 2000 रुपए महीना पे रखा है सिर्फ इसलिए कि ये आवाज जोर जोर से लगाए और ग्राहक आए पास में, लेकिन ये आवाज ही नहीं लगाता है सही तरीके से। नहीं मोदी जी तुम गलत कह रहे हो, अखिलेश की आवाज सुन के मैं आया हूँ और उसके हाथ में जो गिलास है वो ही देख के आया हूँ। अखिलेश बहुत मेहनत करता है। ओहो क्या मैस्ता भाई, क्या मैस्ता केएल राहुल धवन शुभमन गिल, तुमने तो दिल जीत लिया, क्या मैच था, क्या रोमांचक मैच था। लेकिन एक बात बताऊं, मैच तो अपना जीत गए लेकिन एक तरफ दिल सिकंदर रजा ने भी जीता, उसने 115 रन मारे तो ऐसा लगा जान हलक में आ गई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्लीन स्वीप तो कर दिया अपनों ने, हरा तो दिया जिम्बाब्वे को 3-0 से, मजा आ गया भाई। शुभमन गिल तुम्हारा क्या प्रदर्शन है, क्या प्रदर्शन है, तुम्हारे प्रदर्शन के बारे में जितना बोलूं उतना कम है, 130 रन 97 गेंदों पे, ओहो मजा आ गया भाई। केएल राहुल तुम्हें अपने प्रदर्शन में अभी सुधार की जरूरत है, 30 रन पे ही तुम्हारी बत्ती गुल हो गई। और धवन तुम्हारा भी प्रदर्शन कोई खास नहीं था, 40 रन मारे हैं तुमने, समझे। मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, एक टाइम पे जब सिकंदर रजा रन मार रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मैच गया अब गया, बहुत अच्छे रन मारे उसने 115, मैच उसकी टीम भले ही हार गई हो उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। और टेंशन मत लो मोदी जी, मैं जल्दी अपने प्रदर्शन में सुधार करूंगा, समझे, हल्के हल्के मैं लय में आ रहा हूँ। पिछली बार देखो मैंने कितने कम रन मारे थे, इस बार देखो 40 रन मारे हैं। वैसे केएल राहुल कुलदीप यादव और अक्षर पटेल का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा था, आवेश खान का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा था, आवेश खान ने 3 विकेट लिए, एक विकेट भले ही शार्दुल ठाकुर ने लिया हो लेकिन वो सबसे मेन विकेट था, तो सबने ही अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत बढ़िया। और शुभमन गिल तुम्हें मुबारकबाद हो शतक की। अरे योगी जी ये गिलास में क्या लेके आयो, बता तो दो ये गिलास में क्या है तुम्हारे। अरे मोदी जी ये तेल लाया हूँ मैं, तेल सरसों का तेल, जो तुम्हारे हाथ में डंडा है ना मोटा सा, इस पर लगाने के लिए लाया हूँ। इससे ये होता है किसी को हल्के से मारो चोट बहुत जोर से लगती है, इसीलिए लाया हूँ मैं। अरे मोदी जी बैलों की जगह हमसे खेत क्यों जुतवा रहे हो, बता तो दो क्यों जुतवा रहे हो। अरे इस बुढ़ापे में मैं कहां तक हल खींच पाऊंगा, मुझसे हल नहीं खींचेगा। और तुम योगी जी से तेल लगवा रहे हो डंडे में, क्या डंडा मारोगे हमारे? अरे खेत तो बैल जोतते हैं, बैल कहां है तुम्हारे, बैल तो बता दो कहां पर गए। लालू जी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बैलों को आज मैंने छुट्टी दे दी, बैल कह रहा था कि मेरे पेट में दर्द है इसीलिए मैंने आज उसे छुट्टी दे दी, इसीलिए मैं तुम दोनों से खेत जुतवा रहा हूँ। ज्यादा नहीं 1000 बीघा खेत है, बस 1000 बीघा खेत जुतवा के तुम्हें छोड़ दूंगा। देखो तुम ही बहाना कर रहे हो, अखिलेश कितना बढ़िया खेत जोत रहा है। अरे मोदी जी क्या कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कह रहा, अरे मैं क्या कहूँ, मैं अपने जज्बात दबाए हुए हूँ अंदर, मुझ पे कितनी मेहनत पड़ रही है ये मैं ही जानता हूँ। और तुम ये डंडे पर तेल क्यों लगवा रहे हो, बिना डंडे के हम चल तो रहे आराम से, खेत जोत तो रहे, डंडा को फेंक दो, देखो योगी जी तो मजे ले रहे हैं डंडे पर तेल लगवा रहे हैं। अरे डंडे पर तेल लगने से चोट बहुत लगती है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो अखिलेश, ये डंडा मारने के लिए नहीं है, ये सिर्फ डराने के लिए है, जिससे तुम आराम से खेत जोतते रहो, रुको नहीं, समझे।